खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल यह कि 84 के बाद 2019 में आज खड़े हैं सर, इस बीच इस देश में 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने तो 84 के दंगों पर खेद भी जताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़े नेता हो गए क्या सैम पित्रोदा, सोनिया गांधी राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए क्या सैम पित्रोदा, जिनके नाम पर आ गए हुआ तो हुआ की बात को लेकर राजनीति करने के लिए। और दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो ये कि हमने सिखों से माफी मांगी, हमने सिखों को अपने साथ जोड़ा, हमने सिखों को अलग थलग नहीं किया, हमने बांटने की राजनीति नहीं की, गलती हुई उसके लिए माफी मांगी और आगे बढ़े। लेकिन आज बीजेपी 2019 में क्यों चाहती है 84 के सिख दंगे दोबारा सामने निकल कर आए और उस पर वोट पड़े? आरपी सिंह जी, बीजेपी की मंशा बताइए। अभी अभी एक महीना पहले राहुल गांधी हरिमंदर साहब गए थे, रात को 1:30 बजे छुपते छुपाते हरिमंदर गए थे, अकाल तख्त गए थे। अगर ईमानदार होते, अकाल तख्त पे खड़े होकर कहते मेरे परिवार ने, मेरी पार्टी ने जो किया, जो कत्लेआम हुआ, जो अकाल तख्त का नुकसान किया, जो हमने यहां पर हमला किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, तो होती माफी। अच्छा। वो छुपते छुपाते रात को डर गए। मैं दंग था इस बात से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तो सुन लीजिए, मैं जवाब लेती हूँ, मैं बात पूरी करूँ, संसद में खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का माफी मांगने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। आरपी सिंह के मुताबिक संसद में खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर देश के प्रधानमंत्री 84 दंगों पर जो खेद जताया था उसके मायने ही कुछ नहीं रहते ना। राहुल गांधी को जाना चाहिए था हरमिंदर सिंह साहब, उनके अपने रिश्तेदार बने थे सर। हाँ, पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ। राहुल गांधी को हरमिंदर सिंह साहब जाकर वहां पर माफी मांगनी चाहिए थी दिन के उजाले में। आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वो संसद है और संसद के अंदर अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं और खेत जताते हैं तो उसके बाद कोई विषय नहीं होता। लेकिन प्रीतम सिंह, रामकुमार जैन, रामचंद्र गुप्ता, रतनलाल, ज्ञान लाल जैन, चंद्रसेन, प्रदीप कुमार जैन, हंसराज गुप्ता, बाबूलाल, वेद महिपाल शर्मा, पदम कुमार जैन, सुरेश चंद, ये सारे बीजेपी के ऑफिस बियरर्स थे जो 84 के दंगों में जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो कोर्ट में जाओ, अगर तुम सच्चे हो कोर्ट में जाओ और साबित करो। मैंने अपनी मां का दूध पिया है सरदार जी, मां के दूध का मतलब, मां के दूध का मतलब क्या रहो सरदार जी, सरदार जी अपनी, सरदार जी अपनी हदों में रहो, आप सरदार जी आप अपनी हदों में रहो, आप मेरे से बड़े हो, तुम्हें झूठ के अलावा कुछ आता नहीं। सरदार जी अपनी हदों में रहो और हदों में रहो, अपनी माँ के दूध को मत ललकारो, माँ के दूध को मत ललकारो सरदार जी, मुझे बहुत कुछ ललकारना आता है और कभी माँ का दूध पिया हो तो मैदान में आके लड़ लेना सरदार जी, कितने बड़े माँ का दूध पिया आप आ जाना कभी भी। अपने मुद्दों पर आओ, अपने मुद्दों पर आओ, मैंने कहा ये चार्जशीट हुए, ये बीजेपी के लोग चार्जशीट हुए, इनके लिए माफी मांगेंगे आप? अगर माँ का दूध पिया तो वापस आपको सरदार जी, बड़े हो, मैं कोई अब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं आप बार बार वही बात बताइए सर, थोड़ा संयम से अपनी बात रखिए सर, अपनी बात थोड़ा संयम से रखिए। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, मेरी सलाह है आपको, आप थोड़ा पानी पी लीजिए सर। आरपी सिंह साहब, बेहतर होगा थोड़ा पानी पीजिए और संयमित तरीके से बहस कीजिए सर। आप चर्चा के लिए आए यहाँ पर, चिल्लाने के लिए या किसी को इस तरीके से धमकाने के लिए नहीं आए, आप धमकाने के लिए नहीं आए आरपी सिंह साहब, आप धमकाने के लिए नहीं आए आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब, गुजारिश सर आपसे, गुजारिश चिल्लाइए हुए आरएसएस के लोग हैं, इनके लिए माफी मांगेंगे आप? अरे माँ का दूध पिया, इनके लिए माफी मांगेंगे? और किसी दिन माँ का दूध देखना हो तो अकेले में मिल लेना, जिस माँ का दूध पिया है वो शेरनी थी, कभी अकेले में मिल जाना, कौन सी माँ का दूध पिया है मैं बता दूंगा तुम्हें। शब्दों पर अपने नियंत्रण रखो, आवाज कम कीजिए दोनों, से माफी मांगो। ये कैसी भाषा है सर, ये कैसी भाषा है, माँ का दूध पिया है अकेले में मिल लेना, ये कैसी भाषा है सर?
आप लोग बिल्कुल अपना संयम खो चुके हैं। मुझे ये कहने में जरा से भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि आप लोग बिल्कुल अपना संयम खो चुके हैं। कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर? आरपी सिंह साहब, आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं सर? मैं आगे बढ़ूंगी सर। मैं मनजीत सिंह जी का रुख करूंगी। मनजीत सिंह जी, आप ये जवाब दीजिए। आपने दूध पिलाया है, थोड़ा आवाज कम कीजिए प्लीज। आरपी सिंह साहब प्लीज, शब्दों का चयन जरा सोच समझ के कीजिए। मनजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, बड़ी बात यहाँ पर जो आलोक शर्मा की तरफ से कही गई, जो बात प्रधानमंत्री देश के कहते हैं कि इस देश का धर्म भारतीयता है सर, इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है वो संविधान, तो जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, संसद में खड़े होकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी मांग ली, खेद जता दिया, तो आप कहते हैं सर कि हरमिंदर सिंह साहब जाकर वहां पर माफी मांगनी चाहिए थी? यहां पर भी धर्म का एंगल सर मेरे को जवाब देने दीजिए। प्लीज मनजीत सिंह जी जवाब दीजिए सर। देश का संविधान, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, संसद की इज्जत क्या है आपकी नजर में? आप हमारी पूरी इज्जत है संसद की, हमारी पूरी इज्जत है संसद के लिए। इसी संसद में इंदिरा गांधी ने सौगंध उठाई थी, इसी संसद में राजीव गांधी ने सौगंध उठाई थी, और इंदिरा गांधी ने दरबार साहब तबाह कर दिया, राजीव गांधी ने हजारों सिखों का कत्ल कर दिया, इसी संविधान की कसम उठा के। मैं पूछना चाहता हूँ, आलोक जी बोले हैं कि हमने प्रधानमंत्री बनाए, हमने चीफ मिनिस्टर बनाए, अरे एक बार और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना के सारी सिख कौम को मार दो, आप सारी सिख कौम को मार देंगे। एक बार और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मंजीत जी, भावनाओं में इस बहस को मत मोड़िए सर। एक बड़ा अहम सवाल जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं मंजीत जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एक बार फिर से देश के सबसे बड़े मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को आप शर्मसार कर रहे हैं। आप देश के संविधान को शर्मसार कर रहे हैं सर। आप कैसे कह सकते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इसी संसद में थे, इसी संविधान की शपथ ली थी, आप कैसे शर्मसार कर सकते हैं सर? कातिलों ने किया, रोमाना जी मुझे समय दीजिएगा, कातिलों ने किया, हमने बिल्कुल नहीं शर्मसार किया, हमने शर्मसार इन कातिलों ने किया जिन्होंने संविधान। रोमाना जी मुझे समय दीजिएगा, मैं केवल सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आ रही हूँ राजीव गांधी ने जिसने इसी संविधान की कसम उठाई थी, इतने लोगों को मारने के बाद कहता है बड़ा पेड़ गिरा तो क्या हो गया, धरती हिल गई क्या? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी से भाव पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस वजह से आप देश के संविधान, देश की संसद पर सवालिया निशान लगा देंगे सर। शर्म कीजिए मंजीत जी, शर्म कीजिए सर, शर्म कीजिए। आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की बेइज्जती कर रहे हैं सर। मुझे त्रिदिवेश सिंह का रुख करना पड़ेगा, मुझे त्रिदिवेश सिंह का रुख करना पड़ेगा। आवाज कम कीजिए सर। त्रिदिवेश सिंह बनाया जा रहा है, बार बार हमारे हमारे कातिलों को वजीर बनाया जा रहा है, और हम संविधान का, हम संविधान को, वो मानवता पर कलंक था। लेकिन मेरा सवाल ये कि इस देश में 1984 के बाद तो 2002 के भी दंगे हुए ना सर। सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ 1984 के दंगों की बात होगी सर, 2002 की बात नहीं होगी। त्रिदिवेश जी, कत्लेआम और दंगे में फर्क समझिए। सबसे पहले तो इतने गंभीर मुद्दे पे आप देख लीजिए कैसे राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो आलोक शर्मा जी हैं वो कह रहे हैं कि तीन मुख्यमंत्री बने पंजाब के, ठीक है, वो तीन मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने कि उन्होंने 84 में भी सर, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, फर्क क्या है 84 और 2002 में? देखिए फर्क कोई नहीं है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि टाइम मैगजीन है, उसका आज ही का जो खबर सामने निकल कर आई है, बाकायदा जो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने पहले पन्ने पर फोटो छापी है, ये लिखते हुए इंडिया डिवाइडर इन चीफ, उसने बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा है। ये मैं दर्शकों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज का जो मेरा मुद्दा है शोका, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। उसने एक पैराग्राफ में 84 और 2002 दोनों का जिक्र एक साथ किया है, तुलनात्मक तरीके से किया है, और इस आर्टिकल में लिखा जाता है कि 84 के सिख दंगों और 2002 के गुजरात दंगों की जो बात कही गई है ये सही है। कांग्रेस के कार्यकाल में 84 सिख दंगे हुए जो शर्मसार करने वाले थे,
लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने खुद को उन्मादी भीड़ से अलग करने की कोशिश की। इन सालों में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते 2002 में जो दंगे हुए उन्होंने चुप्पी साधे रखी। दंगाइयों के लिए वो दोस्त साबित होते हैं अपनी इस चुप्पी से। किस तरीके से देखा जाए इसे त्रिदिवेश जी? देखिए, जहां तक विक्टिम्स के लिए, चाहे 84 के हों चाहे 2002 के हों, ठीक है, ये दोनों ही शर्मनाक हैं। ये जो वॉटअबाउटरी होती है, ये दल करते हैं आपस में, अकाली दल और कांग्रेस और बीजेपी। 84 और 2002, कोई भी जो सच्चा सिख होगा वो किसी को एक भी इनोसेंट की डेथ को वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, इसमें तो सर, कोई बात नहीं। पर लेकिन हत्या पूरी मानवता की हत्या, पर लेकिन 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 करने वाले बयान जो इन नेताओं का निकल कर आते हैं, दंगों को भी ना अपने राजनीतिक, लेकिन लेकिन 84 मरता है वहां पर, 84 गिनती में मत जाइए आप, हजार मर रहे हैं या सैकड़ों मर रहे हैं, मर रहा है एक भी इंसान, 84 पूरी मानवता, 84 की जो सिखों का कत्लेआम हुआ, नस्ल खुशी थी, वो दंगे नहीं थे। दंगे तब होते हैं जब दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ती हैं। ये नस्ल खुशी थी 1984 की, सबसे पहले तो ये बात हम क्लियर कर दें।